हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे बना रहे हैं हस्बैंड बेल का शरबत। तो बेल लिए थे 1 केजी, जिसमें से हाफ की शरबत बन चुकी है और आधा यहाँ पे पल्प इसमें डाले हैं और इसमें चीनी ऐड किए हैं। स्वाद अनुसार आपको जो कुछ भी जितनी भी चीनी ऐड करनी है वो, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना ही पुदीना ना ही नींबू, कुछ भी नहीं डालने हैं इसमें। बस इसे हाथों से अच्छे से मैश करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिक्सी में डाल दो और घुमा दो इसको, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही आपको हाथ से रेसे वगैरह हटाने हैं, इसके बीज हटाने हैं अच्छे से और चीनी को घोल लेने हैं। थोड़े थोड़े से जो रेसे होते हैं ना इसके, वो अच्छी होती है बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी जो, अगर किसी की पेट साफ़ नहीं होती है ना, मोशन क्लियर नहीं होती, तो इससे क्लियर हो जाती है। और गर्मी के दिनों में बिल्कुल अंदर से एकदम ठंडक पहुंचती है बॉडी में। जैसे हम लोग गर्मी के दिन में आम पन्ना, आम का, कच्चे आम का शरबत पीते हैं आग पे पका के, बिल्कुल उसी तरह का इसकी तासीर होती है बेल के शरबत की। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करें और पिए ज़रूर गर्मी में। उस बोरे में रखा है राशन, कल रात को आया था, उसे मैं लगाऊंगी जगह पे। और देख सकते हैं बाहर से धूप की रोशनी कितनी तेज है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बेटा यहाँ पे कर रहा है पढ़ाई, उसे सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है। यहीं पे रुमाल रखी हुई है, मैं दिखाते हैं जूम करके, ये टेबल पे रुमाल रखी हुई है पिंक कलर की। सर्दी हुई है लेकिन पढ़ना तो है, इसलिए वो पढ़ रहा है। क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है घर की और अभी बज रहे हैं 1:30। कपड़े भी धुल रहे हैं अभी भी, उसके बाद कपड़ों को वॉश करके डालूंगी, लंच वगैरह करूंगी, दैन दोपहर या 3-4 बजे शाम को मैं इसमें जो राशन है सबको मैं डब्बे में रखूंगी। तरबूज को मैं यहाँ पे कट कर ली थी, मैं भी ले ली हूँ खाने के लिए और बेटे को भी दे दी थी खाने के लिए। तो गर्मियों के दिन में तरबूज ठंडी ठंडी अच्छी लगती है खाने में। यह शाम के लिए मैं चाय बनाई थी, उसके साथ में ये मिनी वाली जो जीरा बिस्किट होती है वो लाई थी। तो उसके साथ में चाय और बिस्किट मैं भी खाऊंगी, फिर डिनर वगैरह बनाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, तो नाश्ते में मैं बनाई थी पोहा और चाय बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड और बेटे के लिए बनाई थी बनाना शेक। और ये सैटरडे मॉर्निंग की वीडियो है। और सैटरडे को बेटा स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसके नाक से खून गिर रहा था और बहुत ज़्यादा ही गिरने लगा, इस वजह से वो स्कूल नहीं गया था। और बेटे हस्बैंड तैयार हो चुके हैं अपने काम पे जाने के लिए। हस्बैंड काम पे चले गए थे तो उसके आधारी मिर्चियाँ बहुत ढेर सारी थी, हस्बैंड लाए हुए थे, तो उसकी डंटियाँ तोड़ करके धो दूँगी उसे मैं, और थोड़ी देर धूप में रख करके फिर फ्रिज में ऐसे मैं स्टोर कर दूँगी, रख दूँगी। दोपहर लंच में मैं खिचड़ी बनाने वाली थी, तो हस्बैंड बोले कि खिचड़ी शाम को बनाना, मीन्स रात को मैं भी खाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है, तो बेटे को पूछी क्या बनाओ, तो उसने कहा कि प्याज पराठे। तो प्याज पराठे और सॉस वो खाया था, मैं प्याज पराठे अचार और चाय ली थी। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी तो कीवी बेटा लेकर के आया है फ्रिज से, तो उसे कट कर रही हूँ, बस इस पर मैं काला नमक डालूंगी और खाऊंगी, क्योंकि मुझे और बेटे को कीवी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, बट हम शाम को यही खा रहे थे छील करके। मेरे सर में ही बहुत ज़्यादा दर्द था, कहते हैं ना कि जैसे सर दर्द होने से थोड़ा सा इमली भी मुंह में रख लो तो सर दर्द मतलब ख़त्म हो जाता है। गर्मी की वजह से शायद सर दर्द हल्की हल्की से होनी शुरू हो गई थी, और कीवी थी खट्टी तो मैं सोची कि इसे ही खा लेती हूँ, बट बेटा खुद ही फ्रिज से लेकर के आया कि ये खा लो, थोड़ा सा ठीक लगेगा, मूड चेंज होगा तो सर दर्द वगैरह भी थोड़ा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कीवी कट कर रही हूँ, इसमें मैं ऊपर से काला नमक ऐड कर दी थी, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा काला नमक की वजह से। खट्टा उतना नहीं है, मीठा ही है, थोड़ा खट्टा होना चाहिए। यहाँ पे मैं टमाटर को पका रही हूँ, चटनी बनाऊंगी, और इस कुकर में दाल चढ़ाई हूँ और इसमें आलू भी डाल दी हूँ ताकि चोखा बनाऊंगी और खिचड़ी बनेगी। और यहाँ पे नमक में पानी ऐड की हूँ और ये बैंगन को कट करके बैंगन भाजा बनाऊंगी। बैंगन को यहाँ पे मैं गोल गोल कट कर रही हूँ, इससे भाजा छोटी छोटी सी अच्छी बनती है, इस वजह से ऐसे आप लंबे लंबे भी कट कर सकते हो। और बैंगन थोड़ी सी ख़राब निकल गई थी तो इसीलिए मैं कट करके हटा रही थी,
अब यहाँ पे मैं गोल गोल से अच्छे से मीडियम साइज की जो थिकनेस होती है उस तरह से कट कर लूँगी। बेटे को भी अब बैगन भाजा अच्छा लगने लगा है क्योंकि लास्ट संडे या किसी दिन तो बनाई थी मैं, तो उससे अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मैं सोची बनाती हूँ। और उसमें सिर्फ अभी नमक ऐड करूँगी, थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। तो इस तरह से पानी में डाल करके बैंगन को मैं छोड़ दी हूँ ताकि ये काला ना पड़े। टमाटर पक चुकी है तो गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद करती हूँ, उसे ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं इसकी चटनी बनाऊँगी। इसमें हल्दी नमक ऐड कर दी हूँ मैं, अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। ढक दूंगी अभी। बैंगन को मीडियम फ्लेम पर ही पकाने हैं हमें, इससे हम पलट देंगे। पलटने पर भी हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे, और हाई फ्लेम करके 1 मिनट तक इसे बस लाल करके और निकाल देंगे, और हमारा बैंगन भाजा बिल्कुल सिंपल सा बन करके रेडी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, तो टमाटर को मैं छील लूँगी अच्छे से और जार में डाल दूँगी, मिक्सर जार में। सारे टमाटर को मैं छील के और कट करके जार में डाल दी हूँ। अभी यहाँ पे मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी, तो 3 हरी मिर्ची को मैं कट करके इसमें ऐड कर दी हूँ, और लहसुन ऐड करूँगी 2 या 3। उसके बाद थोड़ी सी अदरक को छील करके और धुल दूंगी, धुल के कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। और नमक आपको जितने स्वाद अनुसार रखने हैं उतने ही आप इसमें ऐड करें और ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद इसमें हम 1/2 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। चटनी को ग्राइंड करने के लिए 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी भी ऐड करें, जिससे कि चटनी अच्छे से पिस जाए, और चटनी यहाँ पर हमारी बन करके रेडी है। चटनी को एक कटोरी में मैं खाली कर लेती हूँ, मतलब निकाल लेती हूँ जार से, उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी और चम्मच से मिक्स करके उसे एक साइड में रख दूँगी। इधर बैंगन भाजा भी बन चुकी है, तो इसे भी मैं हल्का तेज करके और लाल कर लूँगी 1 मिनट तक। उसका एक कटोरी में निकाल करके रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें चोखा बनाऊँगी, जो कि आगे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे मैं चोखा बनाने के लिए ऑयल ली थी 1 से 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, उसमें प्याज ऐड की हूँ, और जो हरी मिर्च होती है वो ऐड कर दी थी, इसे भून लूँगी, थोड़ी सी नमक डाल दूँगी प्याज के अनुसार यहाँ पर, और उसे अच्छे से लाल करके भूनूँगी। भूनने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी जो मसाले होते हैं, क्या क्या ऐड करती हूँ मैं दिखाती हूँ। पहले प्याज को भून करके लाल कर लूँ मैं। अब यहाँ पे मैं हल्दी ऐड की हूँ, धनिया जीरा पाउडर ऐड करूँगी। प्याज यहाँ पर अच्छे से मसालों के साथ में भून चुकी है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी जो उबले हुए आलू थे 3 बड़े बड़े, वो ऐड करूँगी। इसे भी अच्छे से मैश करते हुए सारे आलू को मैं इसी छोलनी से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और स्वाद अनुसार आलू के मैं यहाँ पर नमक भी ऐड करूंगी, और इसे आलू को अच्छे से मैश कर दूंगी और लाल करके इसे अच्छा सा भूनूंगी। जो हमारा आलू का चोखा है बन करके रेडी हो जाएगा। बस इसे हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भुनने हैं, और अगर आपके पास में हरी धनिया है तो वो भी ऐड कर दें, क्योंकि उससे चोखे में जो फ्लेवर होती है ना बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ, चोखा बन चुका है, इसमें बैंगन भाजा है, ये टमाटर की चटनी, यहाँ पे दाल बना के रखी हूँ, खिचड़ी में ऐड करूँगी, दाल तो आधी पक जाएगी इसके बाद। यहाँ पे चावल के ड्रम है, और ये आटा की इसको धोऊंगी अभी, ये मसाले के डब्बे, और ये आटा वाले हैं जो बर्तन रखते हैं हम लोग रोटी बनाने के लिए, इसे मैं वॉश कर लेती हूँ अभी फटाफट से जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पे आटा का डब्बा और ये चावल का डब्बा वगैरह सब कुछ धुल चुका है, बर्तन का डिब्बा इसे सब कुछ धुल दी हूँ, इसे सूखने देती हूँ, और कल इसमें सामान डालूँगी मैं। यहाँ पे चावल हो रही है अभी, धुल देती हूँ मैं। चावल यहाँ पे आती पक चुकी है, देख सकते हैं आप लोग,
इसमें मैं ऐड करूँगी ये दाल, दाल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। दाल में भी नमक डाली थी इसलिए थोड़ी सी कमी डालूँगी। इसमें अब मैं ऐड करूँगी जो ज़ीरा पाउडर होती है वो, ताकि हल्के से मसाले डालूँगी। ये हल्दी, ये है धनिया पाउडर और ये है लाल मिर्च पाउडर जो कलर वाली होती है। अब इसे हम मिक्स करेंगे, इसे पकने देंगे। खिचड़ी यहाँ बन चुकी है, बिल्कुल सिंपल, बिना सब्जी वाली आज बनाई हूँ। सोची थी सब्जी वाली बनाऊँगी, बस इसे मैं ढक दूँगी अभी। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, आएंगे उसका फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। और जो लिज्जत पापड़ हैं इसमें रखी हुई, इसे मैं गैस पे सेक लूँगी। चलिए यहाँ पे मैं इसे ढकती हूँ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो सैटरडे को कुछ हम लोगों ने इस तरह से अपने जो पूरे दिन में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो किए थे आप लोगों के साथ में शेयर की। प्याज पराठे एंड सुबह में पोहे वगैरह बनाई थी और रात में खिचड़ी, चोखा, चटनी, बैंगन भाजा और ये पापड़ मैं सेक रही हूँ अभी। और पापड़ सेकने के बाद मैं खाना सर्व करूँगी और डिनर कर लूँगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक में जरूर पहुँचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।